नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में जारी गैंगवार के बीच सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक्टिंग सीबीआई निदेशक एम नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीबीसी को 2 हफ्ते में जाँच पूरी करनी होगी। आलोक वर्मा पर सीबीआई के नंबर 2 के अफसर रहे राकेश अस्थाना ने करप्शन के आरोप लगाए हैं। उधर आलोक वर्मा ने 2 करोड़ रिश्वत लेने के आरोप में राकेश अस्थाना के खिलाफ जाँच कर रही थी। एम नागेश्वर राव ने उन टीम को रातों रात तबादला कर और मामले को उलझा दिया है। हालांकि आलोक वर्मा के साथ राकेश अस्थाना दोनों को फिलहाल छुट्टी पर भेजा गया है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष सीबीआई के अंदर चल रहे विवाद को लेकर पीएम मोदी को लपेटा है। आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को इसलिए हटाया क्योंकि वह रफाल घोटाले की जांच करने वाले थे, लिहाजा मोदी जांच में खुद फंस सकते थे। उधर राकेश अस्थाना के बचाव में उतरी मोदी सरकार ने विपक्ष के इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। फिलहाल सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीबीसी जांच की निगरानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. पटनायक को नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों यानी केंद्र सरकार, सीबीआई और सीबीसी को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अपना प्रपक्ष कोर्ट के सामने रखे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका में आलोक वर्मा ने दलील दी थी कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। सीबीआई निदेशक की 2 साल के लिए की जाती है और कार्यकाल के दौरान बिना इस समिति की अनुमति लिए हटाया अथवा तबादला नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।